हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैसे बेसिक कंप्यूटर वर्क करता है। तो सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर में हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, मेमोरी यूनिट है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स हैं। और हमने कौन कौन से रजिस्टर लिए हैं यहाँ पे, एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, डेटा रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, इनपुट रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, टेम्परेरी रजिस्टर एंड आउटपुट रजिस्टर। और इन सारे रजिस्टर्स को और मेमोरी को हमने कनेक्ट किया हुआ है किसके थ्रू, कॉमन बस सिस्टम के थ्रू। ऑल्दो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस है, डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए, डेटा को फ्लो करने के लिए डेटा बस है, एड्रेस को फ्लो करने के लिए हमारे पास एड्रेस बस है और कंट्रोल स्टेटमेंट्स को मतलब टाइमिंग सिग्नल्स को फ्लो करने के लिए कंट्रोल बस है। लेकिन इस डायग्राम में हमने लिया है कॉमन बस सिस्टम और उसी सिस्टम से ही मतलब उसी कॉमन बस से ही हम डेटा को फ्लो करेंगे और साथ ही साथ हम एड्रेस और कंट्रोल को भी फ्लो करेंगे। तो यहां पे अगर सबसे पहले हम डायग्राम को देखें तो डायग्राम बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, मतलब इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, कैसे हमने इनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है। इवन जब मैंने बीटेक के टाइम पे इसको पढ़ा, मैंने इसको आज तक हमेशा कभी भी इसको एक्चुअल में कॉन्सेप्ट जो है इसका मेरे को समझ नहीं आया, हमेशा मैंने इसको क्रैम करने की कोशिश की। लेकिन ये बहुत ही सिंपल है और कंप्यूटर आर्किटेक्चर को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं कि कैसे कंपोनेंट्स काम करते हैं, कैसे डेटा फ्लो करता है, तो उसके लिए आपको ये डायग्राम जो है अच्छे से पता होना चाहिए। और सारे की पॉइंट्स मैं यहां पे बताने जा रहा हूं, आप प्लीज इनको नोट कर लीजिए ताकि आपको पता लगे कि कैसे कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द रजिस्टर एंड मेमोरी और रजिस्टर के बीच में। तो सबसे पहले देखो यहां पे हमने यूज किया है कॉमन बस और बस को इंप्लीमेंट हम कैसे करते हैं यूजिंग द मल्टीप्लेक्सर्स। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि कैसे मल्टीप्लेक्सर्स यूज करते हैं हम बस को इंप्लीमेंट करने के लिए और डेटा को फ्लो करने के लिए। आप एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर लें ताकि आपको पता लग जाए कि मल्टीप्लेक्सर्स का यहां पे बेनिफिट क्या है, क्योंकि यहां पे मैंने मल्टीप्लेक्सर नहीं बनाए, हमने डायरेक्ट बस को यूज किया है। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें मल्टीप्लेक्सर में, हमने जो सिलेक्ट लाइन ली है वो है 3, S2, S1 एंड S0। तो इसका रीजन क्या है कि मल्टीप्लेक्सर की जो प्रॉपर्टी क्या होती है कि मल्टीप्लेक्सर्स में हम इनपुट कितनी दे रहे हैं। देखो यहाँ पे इनपुट कौन कौन सी जा रही है, एक तो यहाँ पे मेमोरी यूनिट को कनेक्ट किया हुआ है, एड्रेस रजिस्टर को, पीसी को, डीआर को, एक्यूमुलेटर को, इनपुट को नहीं किया हुआ, इंस्ट्रक्शन को, टेम्परेरी को। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो है 7। मतलब अगर मैंने 7 चीजों को, 7 इनपुट्स देनी है मल्टीप्लेक्सर को, तो मेरे पास जो सिलेक्ट लाइंस है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 3, मतलब 2^n की तरह चलता है। और यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस, और अगर मैं नंबर ऑफ सिलेक्ट लाइंस देता हूं 3, तो 2^3 मतलब 8 इनपुट्स जो है वो मैक्सिमम मैं दे सकता हूं। और ये क्या बन जाएगा, 8x1 मल्टीप्लेक्सर, जहां पे हम नंबर ऑफ इनपुट्स देंगे 8 और यहां पे हम सिलेक्ट लाइंस लेंगे 3 और आउटपुट जैसा कि क्या होती है 1। तो ये 8x1 मल्टीप्लेक्सर को हमने यहां पे यूज किया है। लेकिन नंबर ऑफ इनपुट्स हमारे पास यहां पे 8 नहीं है, यहां पे 7 इनपुट्स को हमने लिया हुआ है, एक को आप कह सकते हो एक तरह से रिजर्व किया हुआ है, अगर बाद में कोई और कंपोनेंट को हम ऐड करते हैं तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखो मेमोरी यूनिट, तो मेमोरी यूनिट क्या है, जहां पे एक्चुअल में डेटा और इंस्ट्रक्शन पड़ी है। वॉन न्यूमन्स आर्किटेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था स्टोर्ड मेमोरी, स्टोर्ड मेमोरी का मतलब क्या है, जहां पे डेटा और इंस्ट्रक्शन एक ही मेमोरी के अंदर हम रखते हैं। और हमने मेमोरी का यहां पे देखो साइज क्या लिया है, 4096। 4096 यहां पे क्या शो कर रहा है कि मेमोरी के अंदर कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स है, मतलब बॉक्सेस कितने हैं। और 16 यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हरेक बॉक्स में, हरेक स्लॉट में मैं कितनी बिट्स को, कितने डेटा को यहां पे स्टोर कर सकता हूं। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स है 4096 एंड हरेक स्लॉट में मैं 16 वैल्यूज को, 16 बिट्स को स्टोर कर सकता हूं, मतलब 2 byte 2 byte को यहां पे स्टोर कर सकता हूं। तो ये इस तरीके से हम मेमोरी को यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन हमारे पास आते हैं देखो एड्रेस रजिस्टर को, हमने यहां पे इसकी जो आउटपुट को हमने क्या किया हुआ है, बस के साथ कनेक्ट किया हुआ है, पीसी को भी हमने, डीआर को भी, एक्यूमुलेटर को भी, इनपुट रजिस्टर को नहीं किया हुआ, क्योंकि इनपुट रजिस्टर कहां से इनपुट ले रहा है, वो इनपुट लेता है इनपुट डिवाइसेस से, जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड से अगर हम कुछ भी प्रेस कर रहे हैं तो इनपुट रजिस्टर वहां से अपनी इनपुट को लेता है और वो किसको देता है, यहां पे ALU को। लेकिन इस डायग्राम में हमने ALU नहीं लिया हुआ क्योंकि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, लेकिन यहां पे हमने एक सिंपल सा आर्किटेक्चर लिया हुआ है डायग्राम के अकॉर्डिंग, एडर एंड लॉजिक, मतलब हमने यहां पे सिर्फ एडर का स्ट्रक्चर लिया हुआ है और लॉजिक दोनों चीजों को हमने यहां पे यूज किया हुआ है।
आप इसको ALU की तरह ही मान सकते हो, लेकिन उन्होंने एक बेसिक कंप्यूटर का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। तो बेसिक कंप्यूटर में इन्होंने बोला कि सिर्फ हम एडर को यूज कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये E यहाँ पे क्या शो कर रहा है, अगर मेरे पास कुछ एक्सटेंडेड बिट है, मतलब लेट से कि अगर हम दो वैल्यूज को ऐड करते हैं तो कई बार क्या होता है कैरी आती है, तो उस कैरी बिट को एक्स्ट्रा बिट को स्टोर करने के लिए हमारे पास यहाँ पे अगेन एक फ्लिप फ्लॉप को हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। और यहाँ पे दूसरा क्या है, आउटपुट रजिस्टर। आउटपुट रजिस्टर की जो आउटपुट है वो देखो वो भी हमने कनेक्ट नहीं की हुई बस के साथ, क्योंकि आउटपुट रजिस्टर अपनी आउटपुट को कहां देगा, आउटपुट डिवाइस के पास, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, मॉनिटर है। लेकिन ये इनपुट कहां से लेगा, इनपुट डेफिनेटली किससे लेगा, कॉमन बस से लेगा, क्योंकि जो भी आउटपुट मेरी जनरेट करेगा ये ALU, वो हम यहां पे बस पे डालेंगे और बस के थ्रू हम उसको आउटपुट रजिस्टर को देंगे। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है कि कैसे हम मेमोरी को एड्रेस देते हैं, कैसे हम रजिस्टर से डेटा को फेच करते हैं, और बिटवीन द रजिस्टर्स कैसे हम डेटा को फ्लो करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास यूज होती है ये सेलेक्ट लाइंस और ये नंबर। यहां पे अगर सबसे पहले एग्जांपल से मैं डिस्कस करता हूं मेमोरी, लेट्स सपोज कि अगर मुझे मेमोरी से कुछ रीड करना है, मतलब मुझे मेमोरी के अंदर अगर कुछ भी वैल्यू को रीड करना है, तो मेरे को यहां पे क्या करना पड़ेगा, रीड को, ये जो यहां पे दिख रहा है आपको राइट एंड रीड, ये राइट एंड रीड क्या है, कंट्रोल वैल्यूज है, मतलब यहां पे हमने कंट्रोल बस का यूज किया हुआ है। तो यहां पे राइट एंड रीड, रीड को हम एक्टिव करेंगे। रीड को एक्टिव करने का मतलब है कि हम पर्टिकुलर एक एड्रेस देंगे जहां से हमने मेमोरी का डेटा को उठाना है, और वो डेटा को हमने बस के ऊपर लोड करना है। लेकिन वो डेटा बस के ऊपर आएगा कैसे, उसके लिए हमने सेलेक्ट वैल्यू क्या दे देनी है, 111, मतलब ये जो सेलेक्ट बिट्स हैं उसकी जगह हम क्या डाल देंगे, 111 डाल देंगे। तो होगा क्या, वो डेटा किसके ऊपर आ जाएगा, बस के ऊपर आ जाएगा। बस के ऊपर आने का मतलब है वो पूरी बस में अवेलेबल है। अब जिसको भी वो डेटा देना है, लेट्स से कि मुझे मेमोरी से डेटा को रीड किया, मैंने वैल्यू दी 111 होते ही जो मेमोरी यूनिट से डेटा है वो कहां पे आ गया, बस के ऊपर आ गया। अब वो बस जो है सारों के लिए अवेलेबल है, ये देखो सारे रजिस्टर्स के लिए वो डेटा अवेलेबल है। लेकिन लेट्स से कि मैंने वो डेटा देना है डेटा रजिस्टर को, तो होगा क्या, डेटा रजिस्टर की जो लोड वैल्यू है उसको हम एक्टिवेट कर देंगे, और वो डेटा किसके ऊपर आ जाएगा, डेटा रजिस्टर के ऊपर यहां पे लोड हो जाएगा। तो लोड, इंक्रीमेंट एंड क्लियर, ये तीन कंट्रोल स्टेटमेंट हमने यहां पे यूज की हुई है रजिस्टर्स के साथ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पे मैंने 16 बिट कॉमन बस को क्यों लिया हुआ है, यहां पे 16 बिट का मतलब है कि मैक्सिमम हम कितनी बिट्स को यहां पे डाल सकते हैं, वो है 16। ये कैसे आई, डेटा की वैल्यू देखो यहां पे, अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेरे पास जो मेमोरी है उस मेमोरी में कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं, मैंने अभी आपको बताया उसमें स्लॉट्स है 2 4096 स्लॉट का मतलब है 2 raised to power 12, मतलब 2 raised to power 12 जो है यहां पे नंबर ऑफ स्लॉट्स है। तो हर एक स्लॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एड्रेस बिट होगी वो कितनी होगी, 12 बिट की होगी, 000 से लेकर लास्ट क्या होगी, 12 times 1। तो ये इतने स्लॉट्स हमारे पास है, लेकिन हर एक स्लॉट में हमने कितनी बिट्स को रखा है, 16 बिट्स को रखा है। तो जब भी हमने डेटा को लोड करना है, जब भी हम डेटा को बस के ऊपर लाएंगे, तो बस जो है वो 16 बिट्स को कैरी करनी चाहिए। तो 16 बिट्स को अगर कैरी कर रही है, तो अगर उससे कम बिट्स है, लेट्स से अगर मुझे एड्रेस को डालना है बस के ऊपर, तो एड्रेस तो ऑब्वियसली कैरी हो ही जाएगा, क्योंकि एड्रेस कितना है, 12 बिट्स का, और हमारे पास बस कितनी है, 16 बिट्स की। तो एड्रेस जो है वो कम बिट्स का है, तो हम क्या करेंगे, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट है उसको हम क्या कर देंगे, 0000, और जो LSB 12 बिट्स हैं उनमें क्या होगा, जो भी एड्रेस की वैल्यू है वो फिट हो जाएगी। तो यहां पे मैक्सिमम साइज जो है वो डेटा का 16 है, तो हम 16 ही यहां पे बस का साइज यहां पे ले रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में स्टोरी क्या है, मतलब कहानी कैसे स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हमारे पास यहां पे यूज होता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर में हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करना है उसका एड्रेस कहां पे है, प्रोग्राम काउंटर के अंदर है। तो प्रोग्राम काउंटर में हमारे पास क्या है, एड्रेस। तो एड्रेस का मतलब है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कितनी बिट का एड्रेस हमने यूज किया है, 12 बिट्स का। तो वो एड्रेस हमने क्या करना है, वो एड्रेस को हमने फेच करना है, और वो फेच करके हमने एड्रेस रजिस्टर तक पहुंचाना है, क्योंकि एड्रेस रजिस्टर यहां पे कनेक्टेड है मेमोरी से। तो एड्रेस रजिस्टर मेमोरी को बोलेगा कि ये लो एड्रेस, और इस एड्रेस से जो डेटा पड़ा है उस डेटा को उठा के बस पे डाल दो, ताकि वो डेटा हम डेटा रजिस्टर को पहुंचा सके। लेकिन एड्रेस रजिस्टर के पास वो एड्रेस आएगा कहां से, प्रोग्राम काउंटर से। तो प्रोग्राम काउंटर से ही हमारी कहानी स्टार्ट होती है। तो प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करनी है उसका एड्रेस पड़ा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू 2
टू मतलब यहां पे क्या बना, 010, मतलब हम 010 सेलेक्ट लाइंस में देंगे और होगा क्या, प्रोग्राम काउंटर की जो भी वैल्यू है वो कहां जाएगी, बस के ऊपर आ जाएगी। मतलब बस के ऊपर आने का मतलब है वो सारों के लिए अवेलेबल है, लेकिन हमने वो एड्रेस किसको देना है, एड्रेस रजिस्टर को। तो हम क्या करेंगे, एड्रेस रजिस्टर की जो लोड वैल्यू है वो क्या कर देंगे, वन कर देंगे। बेसिकली ये कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। एक अलग से हार्डवेयर है जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स को यहां पे एग्जीक्यूट करता है, जितनी भी टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स हैं उनको यहां पे कब एग्जीक्यूट करना है ये कंट्रोल यूनिट यहां पे जज करता है। तो कंट्रोल यूनिट यहां पे लोड की वैल्यू को क्या कर देगा, वन, और वो जो एड्रेस है वो कहां जाएगा, एड्रेस रजिस्टर के ऊपर। तो ऑब्वियसली एड्रेस रजिस्टर भी कितना होगा, 12 बिट्स का होगा, क्योंकि ये भी क्या शो कर रहा है यहां पे, एड्रेस को, क्या स्टोर कर रहा है, एड्रेस को। अब होगा क्या, एड्रेस हमारे पास आ गया कि इस एड्रेस से डेटा को उठाना है, वो एड्रेस हम क्या करेंगे, ये देखो ऑलरेडी ये कनेक्टेड है, ये है एड्रेस बस। एड्रेस बस के थ्रू हमने क्या किया, वो एड्रेस दिया मेमोरी यूनिट को। मेमोरी यूनिट में क्या लगे होते हैं, डिकोडर्स। वो डिकोडर क्या करेंगे, वो 12 बिट्स को डिकोड करके उस एक्चुअल लोकेशन पे पहुंचेंगे, उस पर्टिकुलर स्लॉट पे पहुंचेंगे और स्लॉट पे जो भी डेटा है उसको फेच करेंगे, मतलब रीड करने की कोशिश करेंगे। रीड एक्टिवेट करके हम क्या करेंगे, उसको डेटा को लोड करेंगे, और वो डेटा बस में कैसे आएगा, अभी मैंने आपको बताया 111 बस की जो सिलेक्ट लाइंस है वो हम क्या कर देंगे, 111, और वो डेटा बस के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। अवेलेबल का मतलब है ये देखो सारों के लिए वो डेटा यहां पे पहुंच गया, लेकिन वो डेटा हमने किसको देना है, वो डेटा हमने देना है डेटा रजिस्टर को। तो डेटा रजिस्टर, क्योंकि डेटा रजिस्टर एक्चुअल में कनेक्टेड है किसके साथ, ALU के साथ। तो डेटा रजिस्टर की ये देखो यहां से कनेक्टेड है ये किसके साथ, ALU के साथ, ताकि ALU अर्थमेटिक ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करना है, कुछ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ऑल्दो मैं यहां पे एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा कि कैसे ये काम करता है। तो आप एक बार इसको जो बेसिक सा आर्किटेक्चर वो आप समझ लो। तो डेटा रजिस्टर ऑब्वियसली कितनी बिट का होगा, 16 का, क्योंकि हमने डेटा को लोड किया है उस स्लॉट में, जो भी डेटा पड़ा है मैंने आपको वही बताया था कि वो 16 बिट का है। तो 16 बिट का डेटा यहां पे आ गया और वो डेटा हमने डेटा रजिस्टर को लोड करके, मतलब लोड की वैल्यू को 1 किया, एक्टिवेट किया, और वो डेटा 16 बिट का हमारे पास आ गया। अब वो डेटा हम क्या कर देंगे, यहां पे हम एडर को दे देंगे, मतलब जो भी हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन, जैसे हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमने एड कर रहे हैं, तो हम यहां पे एड करके वो डेटा एक्यूमुलेटर में, जो भी हमने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वट एवर फंक्शन वी वॉन्ट टू परफॉर्म, वो फंक्शन परफॉर्म करके हम वो एक्यूमुलेटर को दे देंगे। अब एक्यूमुलेटर क्या करेगा, एक्यूमुलेटर अगर वो डेटा को पहुंचाना चाहता है आउटपुट रजिस्टर के पास, तो अगेन हम एक्यूमुलेटर की हेल्प से क्या करेंगे, वैल्यू को 4, मतलब 100 करते ही वो डेटा क्या हो जाएगा, बस के ऊपर लोड हो जाएगा। बस के ऊपर लोड का मतलब है वो पूरे की पूरी बस के ऊपर अवेलेबल है। लेकिन लेट्स सपोज वो मुझे आउटपुट को देना है, मतलब मुझे प्रिंटर पे शो करना है या मुझे मॉनिटर पे शो करना है, तो मैं आउटपुट रजिस्टर की वैल्यू को क्या कर दूंगा, 1, और होगा क्या, वो डेटा आउटपुट रजिस्टर पे क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा, और वहां से हम उस डेटा को कहां पहुंचा देंगे, वहां से हम उस डेटा को आउटपुट जो डिवाइसेस है उनके पास पहुंचा देंगे। तो ये एक बेसिक सा डेटा फ्लो है कि कैसे फ्लो करते हैं। लेकिन ये जितनी भी हमारे पास लोड, इंक्रीमेंट, क्लियर, ये सारे के सारे जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं उनको देखो यहां पे हमने कॉमन क्लॉक के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो जैसे ही हम क्लॉक वैल्यू को एक्टिवेट करेंगे, उसके बेसिस पे जो डेटा को लोड हम क्लियर कर सकते हैं, रजिस्टर की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो हम इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स यहां पे इसलिए हम यूज कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं सिंगल एड्रेस, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम डेटा को फ्लो कर रहे हैं। ये देखो यहां पे आपको इस पूरे एग्जांपल से आपको पूरी कहानी जो है वो क्लियर हो जाएगी। सिंगल एड्रेस, सिंगल एड्रेस का यहां पे मतलब क्या है, वन एड्रेस का मतलब क्या होता है कि जो मेमोरी की स्लॉट है उस मेमोरी में हमारे पास जो अपकोड, एक अपकोड है, और जो हमारे पास ऑपरेंड है वो सिंगल ऑपरेंड है। सिंगल ऑपरेंड का मतलब है हम सिंगल ऑपरेंड से ज्यादा नहीं लिख सकते। देखो लोड ए, लेकिन अगर ये डबल ऑपरेंड होता, मतलब टू एड्रेस होता, तो हम यहां पे R1, R2, मतलब दो वैल्यूज को भी यहां पे यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहां पे ऑपरेंड जो है वो सिंगल ही होगा, क्योंकि हमने सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शन को यूज किया है। और ये डायग्राम जो है वो बेस्ट काम करता है सिंगल एड्रेस, क्योंकि ये बेसिकली बना ही सिंगल एड्रेस के लिए। तो देखो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या आई, लोड ए। इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहां पे होगा, मैंने अभी बताया प्रोग्राम काउंटर से कहानी स्टार्ट होती है। तो प्रोग्राम काउंटर में, प्रोग्राम काउंटर से हम वो सिलेक्ट लाइंस के थ्रू डेटा देंगे एड्रेस रजिस्टर को, और एड्रेस रजिस्टर से हम ए की वैल्यू, लोड ए का मतलब है कि जो मेमोरी लोकेशन ऑफ ए है वहां से डेटा को फेच करना है। तो होगा क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लोड ए का मतलब है एक्यूमुलेटर में डेटा को लोड करो।
मतलब जो भी मेमोरी लोकेशन ऑफ ए में पड़ा है उसको हम पहले बस में लाएंगे, और बस में लाने के बाद हम उसको एक्यूमुलेटर में, यहां पे एक्यूमुलेटर में लोड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेटा रजिस्टर। तो एक्यूमुलेटर में हमने लोड कर दिया, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक्यूमुलेटर में आ गई। देन एड बी, एड बी का मतलब क्या है कि यहां पे हमने बी की वैल्यू को ऐड करना है। ए की वैल्यू जो भी थी, 1, 3, 2, 3, वो हमने कहां पे ले आए, एक्यूमुलेटर पे ले आए। कैसे, बस में लाए, बस से हमने उसको डेटा रजिस्टर पे लाए। डेटा रजिस्टर जो है यहां पे देखो ALU के थ्रू यहां पे किससे कनेक्टेड है, एक्यूमुलेटर से। तो एक्यूमुलेटर में वैल्यू किसकी आ गई, ए की आ गई। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, एड बी। तो अगेन कहानी कहां से स्टार्ट होगी, प्रोग्राम काउंटर में हमारे पास एड बी जो इंस्ट्रक्शन पड़ी है उसका एड्रेस हम AR को देंगे। हम फिर मेमोरी से डेटा को फेच करेंगे, मतलब किसको फेच करना है, बी को। और वो फेच करके हम कहां पे लाएंगे, बस में। और बस से हम वो फेच करके किसको देंगे, डेटा रजिस्टर को। तो देखो डेटा रजिस्टर में क्या आ गई, बी, एक्यूमुलेटर में ए है। तो नेक्स्ट यहां पे क्या होगा, एड बी का मतलब है ये बी कहां पे जाएगी, एडर में जाएगी, और एडर में वो वैल्यू एड हो जाएगी। और वो किस जगह स्टोर हो जाएगी, दोनों का जो एडिशन है वो कहां पे आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में ही आ जाएगा। तो एड बी का मतलब है एक्यूमुलेटर में ही, एक्यूमुलेटर प्लस जो मेमोरी ऑफ बी की वैल्यू है वो हमने ऐड कर दी। एक्यूमुलेटर में तो ऑलरेडी ए पड़ा था, बी हमने यहां पे ले आए, और हमने दोनों की वैल्यू को ऐड करके एक्यूमुलेटर में ही रख दिया। तो एक्यूमुलेटर में हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, एक्यूमुलेटर में ऐड प्रेजेंट हमारे पास ए प्लस बी का रिजल्ट पड़ा। तो इस तरीके से ये काम करता है। देन स्टोर टी, अगर मुझे इतना ही काम करना होता है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी यहां पर आप आ गया, एक्यूमुलेटर में आ गया। अब एक्यूमुलेटर से आप सेलेक्ट लाइंस को 4 एक्टिवेट करके आप रजिस्टर पे ले आओ, मतलब कॉमन बस पे ले आओ, और कॉमन बस के बाद आप आउटपुट रजिस्टर में वो वैल्यू को शो करवा सकते हो। लेकिन हमारे पास एक और, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं क्या, हम लोड ऑफ सी, ये देखो सी प्लस डी कर रहे हैं और दोनों को मल्टीप्लीकेशन। तो अगेन हमने क्या करना है, सी को लोड करना है। तो सी को लोड करने के लिए अगेन हमने यहाँ पे मेरे पास एड्रेस पड़ा है सी का, वो हम मेमरी को देंगे। मेमरी से हम सी की वैल्यू को उठा के कहाँ पे लेके आएंगे, एक्यूमुलेटर पे लेके आएंगे। तो यहाँ पे मतलब क्या बना, एक्यूमुलेटर जो भी यहां पे मेरे पास वैल्यू है सी की, मतलब मेमोरी ऑफ सी, वो हमने कहां पे ला दी, एक्यूमुलेटर। और उससे पहले हमने ये देखो ये इंस्ट्रक्शन हम यहां पे भूल गए, स्टोर टी। स्टोर टी का मतलब है हम यहां पे ये कर सकते हैं, जो ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास एक्यूमुलेटर में पड़ी थी वो हमने यहां से निकाल के हमने लेट्स सपोज टेंपरेरी रजिस्टर में थोड़ी देर के लिए स्टोर कर दी, ताकि हम उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एडिशन के बाद हम उनको मल्टीप्लीकेशन कर सकें। तो अगेन ए प्लस बी की वैल्यू एक्यूमुलेटर में है, उसको डेटा हमने लोड किया यहाँ पे, और टेम्परेरी रजिस्टर की लोड की वैल्यू को 1 करके हमने उसको टेम्परेरली यहाँ पे रख लिया। देन लोड सी किया, एक्यूमुलेटर में वहां पे सी की वैल्यू आ गई। एड डी, तो डी की वैल्यू को अगेन हमने क्या किया, डेटा रजिस्टर में ले आए डी की वैल्यू को, और दोनों को एड करके हमने एक्यूमुलेटर में रख दिया। तो एड डी का मतलब है ए सी, ए सी प्लस मेमोरी लोकेशन ऑफ डी। जो भी डी की वैल्यू थी ए सी में, हमारे पास ऑलरेडी सी पड़ा है, तो अब सी प्लस डी कहां पे आ गया, एक्यूमुलेटर में आ गया। तो एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी सी प्लस डी पड़ा है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी, मतलब जो हमारे पास टेम्परेरी रजिस्टर में क्या पड़ा है, ए प्लस बी, उस ए प्लस बी को हम 6 वैल्यू सेलेक्ट लाइंस में हम क्या देंगे, 6, मतलब 110 हम देंगे। और वो डेटा कहां पे आ गया, कॉमन बस पे आ गया, और कॉमन बस से वो डेटा को हम डेटा रजिस्टर पे लोड कर देंगे। डेटा रजिस्टर को हमने क्लियर कर रखा है, तो यहां पे क्या आ गया, ए प्लस बी की वैल्यू आ गई। एक्यूमुलेटर में क्या पड़ा है, सी प्लस डी पड़ा है। तो अगर हमारे पास यहां पे उस वैल्यू को हम क्या देंगे, ए प्लस बी को हम इसको देंगे, और होगा क्या, ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन हम यहां पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन विद सी प्लस डी हो जाएगा, मतलब एक्यूमुलेटर और डेटा रजिस्टर की वैल्यू को हम दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करके हम एक्यूमुलेटर में ही उसको रख लेंगे। अब एक्यूमुलेटर से हम फाइनली डेटा को क्या करेंगे, टेम्परेरी रजिस्टर को दे सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट उसको आउटपुट रजिस्टर को दे सकते हैं। तो ये बेसिकली फंडा है कैसे हम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। इस पूरी कहानी से, इन पूरे फ्लो से आपको समझ आएगा कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, कैसे हम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। तो आज से क्रैम नहीं करना, कोई भी टॉपिक यहां पे क्रैम करने की जरूरत नहीं है, इसको अच्छे से समझें। अगर आपको इन केस नहीं क्लियर होता तो एक बार दोबारा से समझें, क्योंकि ये इसमें काफी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने यहां पे डिस्कस किए हैं। थैंक यू।